हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार आप लोगों के सामने एक क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.1 का 2 का जो है 4 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आप लोगों को अगर टर्म टर्म देने जा रहे हैं तो आप लोगों को मदद करेगा। अगर आप लोग इस बार एग्जाम टर्म टर्म देने वाले हैं तो आपको इस सब क्वेश्चन जो है मदद करेगा। देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या है कि ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड, मतलब कि सेम स्पीड से जो है 480 किलोमीटर जो है वो जो 480 किलोमीटर क्या कर रहा है, इस डिस्टेंस तय कर रहा है। ठीक है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उस स्पीड में से जो कांस्टेंट स्पीड है उस स्पीड में से अगर मान के चलिए 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड अगर कम कर दिया जा रहा है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो सेम डिस्टेंस तय करने में 3 घंटा जो क्या ले रहा है, ज़्यादा ले रहा है। मान के चलिए हमारा अभी 40 किलोमीटर, मान के चलिए सपोज है कि हमारा स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर है, मतलब कि एक घंटा में जो है हम जो है 40 किलोमीटर क्या करेंगे, तय करेंगे। अगर वही स्पीड घटा कर दिया जाए 35 किलोमीटर पर आवर, तो आपको क्या इसमें से क्या समझ में आया, मतलब एक घंटा में 35 किलोमीटर तय करेगा, वही अगर 40 घंटा 40 किलोमीटर का निकलिएगा, मतलब एक घंटा प्लस समथिंग क्या आएगा, कुछ मिनट आएगा। तो उसी से कहा जा रहा है कि अगर क्या कर रहा है, अगर स्पीड जो है कम कर दिया जा रहा है तो हमारा जो है वो टाइम क्या हो जा रहा है, 3 आवर बढ़ जा रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को, सबसे पहले इसको जो है जो कांस्टेंट स्पीड है उसको हम क्या कर लेंगे, एक्स मान लेंगे। देखिए, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड इज एक्स, यूनिफॉर्म स्पीड क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। और हमारा डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, हाँ आफ्टर द, अब ये जो हमारा 8 किलोमीटर पर आवर जो क्या स्पीड कम हो रहा है उसको लिखेंगे आफ्टर द स्पीड लेस, जब जो है लेस होने के बाद हमारा क्या है x माइनस 8 आएगा। और डिस्टेंस हमें क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू 480 किलोमीटर है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए इसके टाइम है जो डिस्टेंस तय कर रहा है, जैसे हमारा स्पीड इतना है ना, तो डिस्टेंस कितना तय कर रहा है, 480 बटा में एक्स माइनस आठ माइनस 480 बटा में 480 बटा में एक्स इक्वल टू 3 हो सकता है। अब पूछेंगे कैसे आएगा, जब आपने फिजिक्स में जो फॉर्मूला पढ़े होंगे क्या होता है कि डी इक्वल टू एस, अगर हम लोग टाइम निकालते थे तो हम लोग क्या लिखते थे, डी बटा में एस इक्वल टू 3, ये हमारा फॉर्मूला था। तो वही फॉर्मूला क्या करती है, पुट करती है, डी हमारा क्या है, डिस्टेंस है, एस क्या है, स्पीड है, जो स्पीड हमारा क्या है, एक्स माइनस 8। अब कहिएगा कि एक्स माइनस 8 जो है इसी को पहले की वर्ग है, इसी को पहले की वर्ग है। अगर मान के चलिए एक समय से 8 घटा दिया जा रहा है, यहाँ पर वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। अगर नीचे कम होगा तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आएगा, ओवरऑल वैल्यू हमारा ज़्यादा आएगा। तो हम ज़्यादा में से ही ना कम घटाएंगे, हम ज़्यादा में से ही क्या घटाएंगे, कम घटाएंगे, तभी तो हमारा वैल्यू आएगा कि हम लोग कम से ज़्यादा घटाएंगे, कभी नहीं। हम लोग जब भी घटाएंगे ज़्यादा में से जो है छोटे वाले ना करके घटाएंगे। अगर मान लीजिए 4 में से 3 ही ना घटाएंगे तभी ना हमारा पॉजिटिव मेंस रहेगा, तो वही कहा जाएगा। ठीक है, तो उसी की वजह से जो है हम लोग जो है 480 बटा में x माइनस 8 फिर माइनस 480 बटा में x इक्वल टू 3 लिख दी। ठीक है दोस्तों, तो इसको जो है अब सॉल्व करते देखिए, जैसे मान लीजिए इसको एल से दीजिएगा एक्स माइनस 8 फिर एक्स, ये हो गया। अब इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो हमारा क्या है, x आ रहा है, मतलब कि 480 x माइनस, और माइनस आ गया है, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, गलती होने की संभावना ज़्यादा होता है। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या है, x माइनस 8, इसको ब्रैकेट लगा दी और 480 से क्या करना है, हमको उसमें डिवाइड करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए और देखिए 480 x माइनस, देखिए इसको इससे डिवाइड किया
480 x, अब इसको इससे मिल गया माइनस, इसी से माइनस एक्चुअली माइनस माइनस प्लस प्लस, मतलब कि 0 88 64 6 फिर 32 36 32 6 32 6 38 38 38। अब यहाँ बटा में अब इसको आप करना चाहते हैं तो इसको अभी भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एट अरे। अब यहाँ पर देखिए 480 x माइनस 480 x इधर 0 हो जाएगा, तो इसलिए लिख देंगे यहाँ पर 3840 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स, ठीक है एट एक्स। देखिए यहाँ पर लिखे यहाँ पर क्या लिखे हम लोग इज्क्वल टू थ्री मतलब क्या लिखे हैं 3840 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स इज्क्वल टू थ्री। अब इसको इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 3x² माइनस 8 3 24 8 16 24 x इज्क्वल टू 3x, ठीक है। अब इसको इधर ले जाए, इसको इधर ले आ दीजिए क्या होगा 3x² माइनस 2 4x माइनस 3 8 4 0। अब देखिए ये 3 से डिवाइड हो जा रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो जा रहा है, ये 8 4 12 ये भी क्या हो रहा है 3 से डिवाइड हो जा रहा है। इसको क्या करेंगे पहले 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन आसान हो जाएगा। लिख देते हैं 3 डिवाइडेड बोथ साइड, दोनों साइड जो है क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 8 24 x माइनस 1 2 2 3 8 24, ठीक है ये आ गया। अब हमको इस तरह स्प्लिट करना है, हमको इस तरह स्प्लिट करना है जो हमारा जो है ये हमारा जो मल्टी इसको इस तरह, इसको जो है इस तरह स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर इसको लेंगे इस दोनों के मल्टीपल का, इसको इसको जो है इस तरह स्प्लिट करना है कि इन दोनों का मल्टीपल है, इन दोनों का मल्टीपल है और इसको प्लस माइनस करने का क्या है माइनस 8 है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसका, सबसे पहले हम लोग किनारे में 1280 का जो है लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं क्या आता है 1080, दो से ले जाइएगा 6 बार में 4 बार में 0 बार में, फिर दो से ले जाइएगा 3 बार में 2 बार में 0 बार में, फिर दो से ले जाइएगा 1 बार में 6 बार में 0 बार में, फिर ले जाइएगा 8 बार में 0 बार में, फिर दो से ले जाइएगा 40 बार में, फिर दो से ले जाइएगा 20 बार में, फिर दो से ले जाइएगा 10 बार में आ रहा है, ठीक है दोस्तों। अब 10 बार में आ रहा है इसको तो क्या करेंगे, अब इसको देखेंगे 2 दुनी 4 4 दुनी 8 8 दुनी 16 16 दुनी 32 10 दुनी 20 20 दुनी 40, देखिए आ गया, देखिए 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 कैसे आया 2 2 दुनी 4 2 दुनी 4 4 दुनी 8 8 दुनी 16 16 दुनी 32 32 हो गया। फिर हम देखिए 2 दुनी 4 4 5 2 दुनी 4 4 दहाके 40, मतलब 40 और 32 को क्या कीजिएगा 40 में से 32 को माइनस कीजिएगा तो हमारा 8 आ जाएगा। तो उसी तरह क्या कर देंगे इसको लिख देंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 400 1280, ठीक है ये हमारा हो गया। अब इसमें से देखिए कॉमन क्या निकल रहा है, एक्स कॉमन निकल रहा है एक्स माइनस 40, इसमें से 32 जो है हमारा कॉमन निकल रहा है 32x माइनस 40, इसको ठीक है। अब यहाँ से आप वैल्यू निकालिए तो क्या एक्स प्लस 32 एक आ रहा है एक्स माइनस 40 स्क्वायर, ठीक है। तो एक का वैल्यू हमारा क्या है, एक का वैल्यू माइनस 32 आएगा और एक का वैल्यू हमारा क्या आएगा 40 है। और कोई भी जो जब भी हम लोग स्पीड निकालते हैं तो स्पीड कभी भी माइनस में नहीं होता है, कि कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो इसलिए वैल्यू हमारा कौन सा हो जाएगा, इसलिए हमारा वैल्यू जो है हमारा ये वाला जो है वैल्यू हो जाएगा,
ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगा। अगर स्पीड ऑफ ट्रेन पूछा जाता है हमारा क्या आ जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए आपको सिर्फ जो है इक्वेशन पूछा है, किसी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा है तो हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो हमारा पूछा है कि इसका इसमें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है फॉर्म होगा, मतलब यही जो है हमारा क्या होगा इक्वेशन जो है फॉर्म होगा। अगर उसी तरह मान के स्पीड निकलना था हम लोग 40 किलोमीटर जो है पर आवर की जो है ये स्पीड हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और लाइक शेयर कमेंट शेयर कर दीजिए।